हाय गाइस, एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप इंटरनेट पे जाके कोई भी लैपटॉप सर्च करोगे ना, चाहे ये भी सर्च करोगे बेस्ट लैपटॉप अराउंड 60,000 रुपीज, आप देख रहे हो कितनी सारी लिस्ट आ गई है यहाँ पर, इतने सारे लैपटॉप, इनमें से कौन सा पिक करें, यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। आज मैं आपको बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा, बट उससे पहले ना मैं आपकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि एक गेमिंग लैपटॉप होते हैं और एक कुछ पोर्टेबल लैपटॉप होते हैं जो प्रोडक्टिविटी के लिए काम आते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कैसा लैपटॉप चाहिए। लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर वो बेस्ट लैपटॉप ढूंढने जाते हैं ना 60,000 में, अगर वो गेमिंग भी नहीं करते तो लोगों को लगता है बेस्ट स्पेसिफिकेशंस वाला लैपटॉप उठा लो, वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर किसी लैपटॉप में बहुत ज्यादा पावर होती है ना, तो वो बैटरी बैकअप कभी नहीं देता। और अगर आपको पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए था, आपको बाहर जाके काम करना था, बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये समझना आपको जरूरी है कि मैं कैसा लैपटॉप ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि आज मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी के लिए या फिर थोड़ी बहुत कंटेंट क्रिएशन, ब्राउजिंग के लिए प्रीमियम लैपटॉप्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि इंटेल ईवो सर्टिफाइड होंगे। बताऊंगा इंटेल ईवो सर्टिफाइड क्या होता है, बट मैं इतना बता सकता हूँ आज के लैपटॉप जो है ना, जनरल ऑडियंस के लिए बहुत अच्छे लैपटॉप्स रहेंगे। स्टार्ट करूंगा लिस्ट को, उससे पहले बता दूं मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। खैर, प्राइस सेगमेंट भी मैं आपको बता दूं, मैं स्टार्ट करने वाला हूं 60,000 के प्राइस सेगमेंट से, फिर धीरे धीरे बजट बढ़ाते चलेंगे। 110,000 तक मैक्सिमम मैं आपको लैपटॉप रिकमेंड करने वाला हूं। और बेस्ट पार्ट ये है, मैं आज जितने भी लैपटॉप बता रहा हूं ना, वो प्राइस के हिसाब से बेस्ट डिजाइन भी देंगे और एक बैलेंस स्पेसिफिकेशंस होगी। और बेस्ट पार्ट तो ये कि वो इंटेल ईवो सर्टिफाइड होंगे। मतलब इंटेल ईवो का ये फायदा होता है कि अगर लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है ना, तो 9.5 घंटे से ऊपर बैटरी बैकअप रहता है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इनफैक्ट इन लैपटॉप्स की जो परफॉर्मेंस है ना, वो कंसिस्टेंट रहती है, चाहे फिर लैपटॉप चार्जिंग पे लगाओ या फिर ना लगाओ। और अगर आप इन लैपटॉप्स की लीड उठाओगे तो 1 सेकंड में वेक हो जाएंगे। और USB-C फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए, Wi-Fi 6 ही होना चाहिए, इनफैक्ट थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तब जाके इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप बोला जाता है। और अगर इंटेल ईवो होगा तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही, आपको सुन के पता लग गया होगा कि ये सारी चीजें होना बहुत अच्छी चीज है लैपटॉप के लिए। और हाँ, एक और क्रेजी बात पता है क्या है, मैंने आज वही लैपटॉप रखे लिस्ट में जो कि इंटेल यूनिसन सपोर्ट करते हो, मतलब कि चाहे फिर आईफोन हो आपके पास या फिर एंड्रॉइड हो, काइंड ऑफ आपको विंडोज लैपटॉप के अंदर इकोसिस्टम मिल सकता है, वो बड़ी सही चीज रहती है। और ऑब्वियसली लिस्ट में जितने भी लैपटॉप है आज, उन सब में विंडोज 11 है, और जो भी विंडोज 11 के फीचर होते हैं वो भी है। चलो, सबसे पहले लैपटॉप की बात करते हैं। इसका नाम है एसर स्विफ्ट 3 और ये 61,000 रुपीज के अराउंड मिलेगा। अब इस लैपटॉप में ना 12th Gen इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, खेरे प्रोसेसर 1240p है। ऑब्वियसली इसके अंदर हाइब्रिड आर्किटेक्चर रहेगा और थ्रेड डायरेक्टर का अलग फायदा रहता है, तो ये चीज सही है। बाकी इस लैपटॉप में 8GB रैम है जो कि LPDDR4X है, और 512GB की जेन 4 SSD मिलती है। और हाँ, इस लैपटॉप में इंटेल XE ग्राफिक्स है। और इस लैपटॉप में 14-inch की डिस्प्ले है जो कि IPS LCD पैनल है, 1440p रेजोल्यूशन है। और पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो इस लैपटॉप में 2 Thunderbolt 4 पोर्ट मिलते हैं, बाकी 2 USB Type-A पोर्ट भी मिलते हैं जो कि USB 3.2 है। बाकी यहाँ हेडफोन जैक, HDMI पोर्ट और 1080p इसका वेबकैम है। बाकी हाँ, ये लैपटॉप 65W की चार्जिंग सपोर्ट करता है। देखो, मेरे हिसाब से ना 61,000 रुपीज में अच्छा लैपटॉप है, प्रीमियम बिल्ड है इसका यार, पूरी की पूरी मेटल बिल्ड है। इनफैक्ट वेट भी ज्यादा नहीं है, 1.2 kg के अराउंड है। मेरे को ये लैपटॉप एक्चुअली में सही लगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट लैपटॉप मैंने रखा है लिनोवो योगा स्लिम 6 और ये 80,000 रुपीज के आसपास आता है। और इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें 13th Gen इंटेल कोर i5 मिलता है 1340p। और इस लैपटॉप में 16GB की LPDDR5 रैम मिलती है और यहाँ पर 512GB की SSD भी है और जेन 4 है, बाकी इंटेल XE ग्राफिक्स है इसमें। और पता है क्या, इस लैपटॉप की ना 14-inch की डिस्प्ले है, बट अच्छी बात यह है कि ये OLED पैनल है और HDR सपोर्ट करता है, लाइक कॉन्टेंट देखने में काफी सेंस बनेगी। और इस लैपटॉप की पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें एक USB Type-A पोर्ट मिलता है जो कि 3.2 है, और 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स मिलते हैं, और जो HDMI पोर्ट है ना इस लैपटॉप का, वो 2.1 है, जो कि अच्छी चीज है। बाकी हेडफोन जैक तो मिलता ही है, और 65W की चार्जिंग लैपटॉप सपोर्ट करता है। देखो, सिंपल सी बात है, लैपटॉप जो है डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है ना, तो अगर वैसे भी देखा जाए तो कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए सेंस बनेगी। और अगर ओवरऑल पैकेज देखा जाए ना 80,000 में, मुझे लगता है कि नो डाउट प्रीमियम लैपटॉप तो बोला जाएगा। और इस लैपटॉप में ना 65W की बैटरी है, और हाँ, जो लिनोवो का लैपटॉप है ना, इसमें 1080p डिस्प्ले है, बट अगर आपको 1440p डिस्प्ले चाहिए हो तो मैं आपको नेक्स्ट लैपटॉप बताता हूँ। ये है डेल इंस्पिरॉन 13। इसका जो प्राइस है ना, वो 84,000 रुपीज के आसपास रहता है। और इस लैपटॉप में भी 13th Gen इंटेल कोर i5 1340p ही मिलेगा, और वही 16GB की LPDDR5 रैम है और 512GB की जेन 4 SSD।
बट इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो 13.3 इंचेस की है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन क्वाड एचडी है। फिर इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं, लेकिन इस लैपटॉप में ना एचडीएमआई 2.1 नहीं है, एचडीएमआई 1.4 है। बाकी हेडफोन जैक तो मिलता ही है, बाकी यूएसबी टाइप ए पोर्ट भी है एक 3.2। बाकी ये लैपटॉप भी जो है 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और 54 वॉट आर की बैटरी है इसके अंदर। और हाँ, मैंने नोटिस किया इस लैपटॉप में ना प्राइवेसी शटर है, तो आप खुद से वेबकैम हाइड कर सकते हो। शॉर्ट तरीके से बोलूं, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे HDMI 2.1 पोर्ट चाहिए या फिर डॉल्बी विजन चाहिए, और आपको ये है कि मुझे शार्प डिस्प्ले ज्यादा मैटर करती है, तब ये लैपटॉप सेंस बनाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लैपटॉप बताता हूं, HP Pavilion Plus 14। और ये लैपटॉप 95,000 रुपीस के आसपास मिलता है। और इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की बात करो ना, तो इसमें 12 जेन इंटेल कोर i7 मिलता है, जो कि 12700H प्रोसेसर है। और ये जो लैपटॉप है ना, इसमें 16GB रैम है, जो कि LPDDR4 है, बाकी 1TB की SSD मिलती है, बाकी इंटेल एक्सी ग्राफिक्स ही मिलते हैं। लेकिन इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना, वो मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है ना 14 इंचेस की है, बट इसमें 2.8 की रेजोल्यूशन मिलता है, जो कि बहुत शार्प रहेगा। इनफैक्ट ये जो डिस्प्ले है ना, ये OLED है, और ऊपर से 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, लाइक स्क्रॉलिंग भी स्मूथ रहेगी। और अगर कंटेंट भी देखते हो तो इसमें HDR का सपोर्ट भी है। बट ये जो लैपटॉप है ना, ये इंटेल ईवो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर दो USB टाइप सी सुपर स्पीड वाले पोर्ट है और दो USB टाइप ए पोर्ट है, जो कि 5GBPS तक की स्पीड देते हैं। बाकी इस लैपटॉप में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है, इनफैक्ट HDMI 2.1 भी है। बाकी ऑब्वियसली हेडफोन जैक तो मिलता ही है, बट ये जो लैपटॉप है ना 90W की चार्जिंग सपोर्ट करता है और 51W बैटरी के साथ आता है लैपटॉप। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई, अगर आपको 12 जेन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर चाहिए और बहुत सही डिस्प्ले चाहिए अपने लैपटॉप में, इसकी तरफ जरूर देखना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लैपटॉप के बारे में, ये है Asus VivoBook S15 OLED। और इस लैपटॉप का जो प्राइस है ना, वो 1,06,000 के आसपास रहता है। और आज मैं जितने भी लैपटॉप रिकमेंड करे ना, सबसे पावरफुल यही लैपटॉप है, क्योंकि ये 13 जेन इंटेल कोर i7 के साथ आता है, जो कि 13700H प्रोसेसर है। इनफैक्ट इस लैपटॉप में 16GB रैम है, जो कि LPDDR5 है, और तो और इसमें 512GB की SSD भी है, जो कि Gen 4 है। बाकी यहाँ इंटेल एक्सी ग्राफिक्स ही मिलते हैं इसमें। और डिस्प्ले की बात करूँ ना, तो बड़ी डिस्प्ले यार 15.6 इंच है, और जो रेजोल्यूशन है वो 2.8 की का है, तो ऑब्वियसली शार्प डिस्प्ले रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट है, तो ये बहुत सही चीज है। बाकी नो डाउट कॉन्टेंट देखने के लिए बहुत सेंस बनाएगी डिस्प्ले, क्योंकि OLED पैनल है तो डीप ब्लैक्स रहते हैं, और इन जनरल भी HDR सपोर्ट करता, तो ये सही चीज है। और पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें एक टाइप सी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, और एक USB टाइप ए पोर्ट है, जो कि 3.2 है। बाकी एक और USB टाइप ए पोर्ट मिलता है, जो कि 2.0 है। और हाँ, जो इस लैपटॉप में HDMI पोर्ट है वो 1.4 है। बाकी यहाँ ऑब्वियसली हेडफोन जैक तो मिलता ही है, और ये लैपटॉप जो है 90W की चार्जिंग सपोर्ट करता है, और जिसमें बैटरी लगी हुई है ना वो 75W आर की है, तो काफी बड़ी है। बाकी हाँ, इस लैपटॉप में भी प्राइवेसी शटर मिलता है यार, आप खुद से लाइक वेबकैम हाइड कर सकते हो। एकदम इजी वर्ड्स में समझा देता हूँ, देखो ये लैपटॉप काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर आपको बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है और काफी अच्छी डिस्प्ले चाहिए, तब ये बहुत सेंस बनाएगा। और मैं एग्री करता हूँ कि इसमें जो पोर्ट्स है वो बिल्कुल अप टू डेट नहीं है, लेकिन पावर सबसे मेन चीज है इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। मुझे लैपटॉप एक्चुअली में सही लगता है। तो यहाँ पर मेरी लिस्ट खत्म हो जाती है। स्टिल अगर आपको जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग लैपटॉप ना मिला हो और आपको जो है इंटेल का ही प्रोसेसर चाहिए, तो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ना इंटेल का फिल्टर लगा सकते हो, उससे जो है आपको लाइक 12 जेन 13 जेन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोसेसर की, इंटेल की आई मीन, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, आप इनमें से कौन सा लैपटॉप खरीदोगे या फिर और कुछ रिकमेंड करना चाहते हो, क्योंकि लैपटॉप वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो आप रिकमेंड कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कर देना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक पर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।